हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम करते हैं यहाँ पे तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की, और फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे टीटी के नेक्स्ट लेवल यानी कि सुपर टीटी की, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो बिना देर किए हुए ये शुरू करते हैं। देखिए, 1-4 क्वेश्चन तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले आपको उसे विजिट करना है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ यहाँ पर दी गई हैं। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से आज के। पहला क्वेश्चन हमारा है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। तो क्या है, दुष्धन प्रकृति, दुःधन प्रकृति, दुष्यधन प्रकृति या फिर दुष्प्रधन कृति। देखिए, अगर बात करेंगे हम दुष्प्रकृति की, तो यदि विसर्ग के पहले इकार या फिर उकार आ जाता है ना, और विसर्ग के बाद जो है वर्ण का, जैसे कि क ख प फ, अगर ये आ जाता है तो विसर्ग जो है वो आदेश में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे निःधन कपड़ यानी निष्कपट, निःधन फल यानी निष्फल, निःधन पाप यानी निष्पाप, दुःधन कर यानी दुष्कर, और उसी प्रकार से आपका दुष्प्रकृति यानी कि दुःधन प्रकृति, यानी कि आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो विसर्ग वाला यानी कि बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शाश्वत शब्द का विलोम जो है वो क्या है, मृत्यु, मर्त्य, नश्वर या फिर क्षणिक। देखिए, शाश्वत की अगर हम विलोम की यहाँ पे बात करें तो ये होता है क्षणिक। शाश्वत मतलब कभी ना मरने वाला, और जो मतलब हमेशा लाइफ लॉन्ग चलेगा, है ना, और क्षणिक मतलब जो एकदम क्षणभंगुर या फिर एक क्षण के लिए सीमित है वह। मृत्यु का अगर विलोम की हम बात करें तो ये हो जाता है जन्म, और अगर नश्वर की हम बात करें तो इसका जो विलोम होगा, नश्वर के विलोम अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा शाश्वत, ठीक है। और मर्त्य जो है वो इसका विलोम हो जाएगा आपका अमर। मर्त्य मतलब जो मरने वाला है, अमर जो कभी नहीं मरने वाला है वो। तो देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं, मृत्यु के अपोजिट हो जाएगा जन्म, नश्वर का अपोजिट हो जाएगा शाश्वत, और शाश्वत का अपोजिट हो जाएगा क्षणिक, और मर्त के अपोजिट हो जाएगा अमर, ठीक है। और यहाँ पे हमको पूछा था शाश्वत शब्द का विलोम, तो शाश्वत का अपोजिट है आपका क्षणिक, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूक का विलोम शब्द क्या है, क्या ये अमूक होगा, शूक होगा, वाचाल या फिर हूक। देखिए, बात करेंगे हम मूक के विलोम की, तो यहाँ पे मूक मतलब क्या, जो एकदम से कुछ भी नहीं बोलता है मूक है, या फिर कह सकते हैं गूंगा, या फिर कुछ नहीं बोलता है उसको भी हम गूंगा ही बोल देते हैं। लेकिन मूक का विलोम की अगर हम बात करें, यानी जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका वाचाल, या फिर हम मुखर भी कह सकते हैं, ठीक है, मुखर। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, शब्द युग्म पर्यंत पर्यंक, इसके सही अर्थ जो है इसके भेद का हमको चयन करना है। देखिए, यहाँ पे पूछा है आपका पर्यंक और पर्यंत और पर्यंक दोनों के अगर आपको सही मीनिंग नहीं पता रहेंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शंस इस हिसाब से दिए हैं, देखिए, तक कीचड़, तक पलंग, पर्याप्त पलंग, समग्र पीड़क। जब बात हम करेंगे यहाँ पे पर्यंत के, तो पर्यंत का जो अर्थ होता है ये होता है आपका तक। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए, तक वाले कितने ऑप्शंस यहाँ पे है, एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, यानी दो ऑप्शंस है, यानी कि 50% तो आपको आंसर मिल गया है। अब इन दोनों में से जो है आपको फाइंड आउट करना है, तो कीचड़ या फिर पलंग, पर्यंग का अपोजिट, पर्यंग का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है। तो पर्यंग का जो सही होता है मीनिंग वो होता है पलंग, ना कि कीचड़, ठीक है। पंक नहीं लिखा है, पंक का अर्थ होता है कीचड़, और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग, ठीक है। तो पर्यंक का हो जाएगा पलंग, यानी कि आपका ये ऑप्शन भी यहाँ पे निकल गया। तो बचता क्या है, बी ऑप्शन, यानी कि पर्यंत और पर्यंक दोनों का अर्थ अगर सही अर्थ की हम बात करें तो तक और पलंग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है, क्या ये समशीत कहलाता है, समोष्ण कहलाता है, उष्णकटिबंधी या फिर समशीतोष्ण कहलाता है। बात करेंगे न बहुत गर्म न बहुत ठंडा की, तो ये जो है वो कहलाएगा आपका समशीतोष्ण। उष्णकटिबंधी नहीं कहलाएगा, समोष्ण भी नहीं कहेगा, समशीत भी नहीं। समशीत यानी कि थोड़ा बहुत शीत, और समोष्ण यानी थोड़ा बहुत उष्ण यानी कि गर्म हो सकता है। उष्णकटिबंधी जहाँ पर, जैसे देखिए, बहुत ज़्यादा वर्षा वाले वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन आपने सुना ही होगा, तो ये भी नहीं,
ना बहुत गर्म भी है ना बहुत ठंडा, सम शीतोष्ण वर्षा वाले वन जो देखिए। चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्धन जन, दुहधन जन, दुहधन अर्जन या फिर दुर्धन जन। देखिए बात जब हम करेंगे दुर्जन की यहाँ पे, तो दुर्जन के संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा आपका विसर्ग संधि यानी कि दुहधन जन। जब भी हम ई और ऊ और इसके बाद अगर सघोष ध्वनि कोई आती है, तो उसका जो है वो विसर्ग के स्थान पे र बन जाता है, ठीक है। जैसे कि दुधंजन तो दुर्जन हो जाएगा, दुर्बल का हो जाएगा दुधन बल, दुर्दशा का हो जाएगा दुधन दशा, निरपराध का हो जाएगा निह धन अपराध। तो ये सब विसर्ग संधियों के उदाहरण है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शब्द में विसर्ग संधि यहाँ पे दी गई है, मत्याक्यम महौषधि तरोष्य छाया विष्णवे। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आप निकाल पाएंगे कि डिफरेंट कौन सा है इसमें। बात करेंगे अगर तरोष छाया, तो यही जो है इसी में जो है विसर्ग संधि है, यहाँ पे जो ये श है यही जो है आपके विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। और इसके अगर संधि विच्छेद की हम बात करें, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? विसर्ग लिख देंगे सबसे पहले, स की जगह पे विसर्ग, आगे है तरो तो तरो को आगे लिख देंगे, जमा छाया, छाया को यहाँ पे लिख लेंगे छाया। तो तरो धन छाया यानी कि जो ये शक्कर वाला श है ये हो जाएगा परिवर्तित आपके विसर्ग में, ठीक है। और बात करेंगे अगर मत्याक्यम में, तो मत्याक्यम में देखिए ए की मात्रा यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे जो है वो आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। और इसका अगर संधि विच्छेद की अगर हम बात करें, तो मत धन एक्यम हो जाएगा, मत धन एक्यम। चलिए बात करते हैं महौषधि की, तो महौषधि में हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि अगेन यहाँ पे। और यहाँ पे जब इसकी संधि विच्छेद अगर हम करेंगे, तो ये हो जाएगी महाधन औषधि, महाधन औषधि। विष्णवे, तो विष्णवे में जो है आपका अयादि संधि स्वर है, और इस संधि का जो अगर हम विच्छेद करेंगे, तो ये हो जाएगा विष्णु धन ए। विष्णु धन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा था कि विसर्ग संधि का एग्जाम्पल कौन सा यहाँ पे दिया, तो तरोष छाया जो दिया है यही जो है वो आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कीचड़ उछालना मुहावरे का जो है वो सही अर्थ क्या है? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या फिर दलदल में फंसना। देखिए कीचड़ उछालना, हम कहते हैं ना किसी ने कीचड़ उछाल दिया है, तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ है वो हो जाता है बदनाम करना या फिर निंदा करना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ जो है वो धन मतलब कारण लिए ये है, तो ये इसमें से कौन सा जो है वो एक है इसका अर्थ, ठीक है। आशय, तात्पर्य, अर्थ, अभिप्राय। देखिए बात करेंगे अर्थ की, तो अनेक इसके अर्थ होते हैं। ये जो अर्थ यहाँ पे पूछा ना, एक का अर्थ क्या है, ये एग्जैक्टली इसका मीनिंग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या है इसका। एक और मीनिंग है कि इस अर्थ का पूछा यहाँ पे कि मीनिंग क्या है इसका बता दीजिए, है ना। तो अर्थ जो है अपने आप में एक अनेकार्थी शब्द है, और इसके ही बहुत सारे मीनिंग होते हैं। धन होता है, मतलब होता है, आशय भी होता है, कारण भी होता है, लिए भी होता है, तो ऐसे ही बहुत सारे इसके जो है वो मीनिंग है। तो यहाँ पे हमको पूछता क्या, यहाँ पे हमको पूछा था कि भाई अर्थ का जो है एग्जैक्ट हमको मीनिंग बता दीजिए, यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो इन शब्दों के पर्यायवाची है, तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा अर्थ। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आकृति शब्द का संभिन्नार्थक क्या होगा? देखिए आकृति शब्द का हमको समान जो इसके भिन्नार्थक अर्थ है वो बताना है। क्या ये बनावट होगा, वस्त्र होगा, चित्र होगा या फिर समरूप होगा? अगर बात करते हैं यहाँ पे आकृति की, तो आकृति का जो संभिन्नार्थक शब्द होगा वो हो जाएगा आपका बनावट, ठीक है, या फिर आकार भी हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं शक्ल, ठीक है। आकृति मतलब क्या एग्जैक्टली, किसी की आकृति, आकार या फिर बनावट, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन के लिए हमें
विकल्प के लिए निर्देश दिया है, तो निर्देश चलिए पहले पढ़ लेते हैं। निर्देश दिया है कि प्रश्न 145 से 146 के लिए दिया गया, यानी कि अगले दो क्वेश्चन जो है वो इसी के बेस पे करना है आपको। निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटना है, यानी कि एग्जैक्टली आपको पूछा है कि 145 क्वेश्चन में और 146 क्वेश्चन में दोनों में आपको जो है वो संधि रूप जो है वो पहचानना है, कौन सी है, कौन सी संधि यहाँ पे एग्जैक्ट करेक्ट दी गई है विच्छेद करके। निष्काम, तो निष्काम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निष्धन काम, निधन काम, निष्धन काम, निस्धन काम। तो भाई यहाँ पे जो है करेक्ट संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो निष्काम का जो है संधि विच्छेद यहाँ पे अगेन जो आधा जो आपका षटकोण वाला श है ये परिवर्तित हो जाएगा आपके विसर्ग में, तो विसर्ग वाला यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो कि है बी, यानी कि निधन काम, यही आपका एकदम अप्रोप्रिएट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है वीरोचित, यहाँ पे भी हमें निर्देश दिया गया है कि 145 और 146 के लिए हमको जो ये फॉलो करना है कि संधि बताना है। वीर धनोचित, वीर धन औचित, वीरा धनचित, वीह धन उचित है। ये बात करेंगे विरोचित की, तो विरोचित का जो संधि विच्छेद है ये होता है वीर धन उचित, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका एकदम अप्रोप्रिएट है, वीर धन उचित आपका सही संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ जो है वो है आपका तिरछी नजर या फिर कह सकते हैं आपेक्ष, यानी कि दोनों भी इसके मीनिंग है, यानी कोई एक ही यहाँ पे ऐसा अर्थ है, एक ऐसा शब्द है जिसका कि दो अर्थ है, या फिर तिरछी नजर भी हम इसे कह सकते हैं या फिर आक्षेप भी हम इसे कह सकते हैं। इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा आपका क्या, कटुक्ति, व्यंग, ताना या फिर कटाक्ष। देखिए यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे ऐसा शब्द, तो ऐसा शब्द जो यहाँ पे वो हो जाएगा कटाक्ष, जिसका कि मीनिंग होता है तिरछी नजर और आपे आक्षेप, ये दोनों भी इसके जो है वो पर्यायवाची है, मीनिंग है कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चक्रपाणि दर्शनार्थ, इस पद में जो है वो मान्य समास क्या है, यानी कौन सा समास हम मानते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से नहीं पूछा है, हमारे हिसाब से नहीं, कौन सा इसमें मान्य दिया गया है, जैसे बोलते हैं ना मान्य यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन ली है, वैसे ही मान्य समास इसका कौन सा है ये यहाँ पे पूछा गया है। ये बात करेंगे यहाँ पे कर्मधारय समास है या तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है या फिर बहुव्रीहि है। चक्रपाणि दर्शनार्थ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले जो पद आते हैं और उनका मिलो तो ये अलग अलग या फिर एक साथ ही इनका विग्रह जो है वो हम कर देते हैं। अब यहाँ पे चक्रपाणि ये अगर सिर्फ इतना लें तो ये हो जाता है विष्णु भगवान का पर्यायवाची, है ना, जिनके हाथ में चक्र है, तो ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। और दर्शनार्थ जो अगर इसको अलग कर दें तो ये तो हो जाता बहुव्रीहि, यानी कि चक्रपाणि अगर सिर्फ दिया होता तो ये हो जाता बहुव्रीहि, लेकिन पूछा है यहाँ पे चक्रपाणि दर्शनार्थ, तो यहाँ पे जो है इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो चक्र है पाणि में जिसके, उसके दर्शन के अर्थ, है ना, तो ये हो जाएगा आपका चक्रपाणि दर्शनार्थ। ये जो है इसका आपका एकदम सही समास जो मान्य किया गया है वो है आपका अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ पे जो ये अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। चक्रपाणि अगर यहाँ पे सिर्फ दिया होता तो ये हो जाता आपका अव्ययी भाव समास, अरे बहुव्रीहि समास, और दर्शनार्थ अगर खाली दिया होता तो दर्शन के अर्थ, है ना, तो यहाँ पे दर्शनार्थ अगर सिर्फ दिया होता तो ये हो जाता अव्ययी भाव समास, लेकिन यहाँ पे दोनों अगर कंबाइन करके दिया यानी कि चक्रपाणि दर्शनार्थ, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। पहले क्या आया है, बहुव्रीहि का आया है, लेकिन इस डजंट मीन कि आपका ये अव्ययी भाव समास नहीं होगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ऐसा अगर आ जाएगा तो ये जो है वो आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है तेजोमय का जो है वो सही संधि विच्छेद क्या होगा, तेज धन उमय, तेज धन अमय, तेज धनमय, तेजो धनमय। देखिए बात करेंगे तेजोमय के संधि विच्छेद की, तो यहाँ पे जो है वो विसर्ग संधि की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तेज धनमय, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे अप्रोप्रिएट है आपका। जब भी जब आपका विसर्ग है इसके पहले जो है वो अ और अगर अ होता है और वर्णों के प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर कोई भी अन्य वर्ण होता है जैसे कि यर लव हो यह हो, तो फिर जो अ है वो जो है आपका विसर्ग ओ में जो है वो परिवर्तित हो जाता है, तो इसीलिए जो है वो ओ में परिवर्तित होकर तेजोमय बन गया, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, तेजोधनमय।
बात करें अगले क्वेश्चन की, हमारे निम्नलिखित शब्दों में से किस एक शब्द का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में जो है वो प्रचलित नहीं है? ठीक है, चाचा, बहन, कोयल या फिर भैंसा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी भाषा में किसका प्रचलन नहीं है, किस ऐसी कौन सी ऐसी शब्द है यहाँ पे जिसका जो है वो प्रचलन, मतलब लिंग परिवर्तित जो है वो नहीं होता है हिंदी भाषा में, ऐसा प्रचलन नहीं है। चाचा का हम चाची बोल सकते हैं, बहन का भाई हो जाता है, भैंसा का भैंस हो जाती है। लेकिन कोयल की अगर हम बात करें तो कोयल एक यहाँ पे फीमेल जेंडर के लिए यूज़ होता है, यानी कि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, लेकिन इसका लिंग परिवर्तित करते टाइम आगे नर या मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे कि नर कोयल या फिर मादा कोयल। ठीक है, नर कौआ, मादा कौआ ऐसे बोलते हैं। कौए का भी जो है वो कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं होता है, मतलब उसको भी हम जो है वो उसका लिंग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, कौआ कौवी नहीं बोलते हैं। ठीक है, नर कौआ, मादा कौआ ऐसे बोलते हैं, नर कोयल, मादा कोयल। तो इसके आगे जो है हम वो लिंग के लिए हम नर और मादा लगा देते हैं, ना कि इसका लिंग जो है वो परिवर्तित करते हैं। तो कोयल ही ऐसा एक शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं दिया गया है इसका लिंग परिवर्तन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुरूप में कौन सा समास है? देखिए जिस समास का जो पहला पद है वो अगर प्रधान हो जाए तो यहाँ पे हो जाता है अनु। अनु क्या है, यहाँ पे अव्यय के रूप में प्रयुक्त है, तो अनुरूप जो है यहाँ पे आपका अनुरूप का अर्थ हो जाएगा के अनुसार। ठीक है, के रूप में। ठीक, तो अनु जो है ये है आपका अव्यय, और अव्यय से आ जाता है आपका अव्यय भाव समास। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रातों रात शब्द में जो है वो समास कौन सा दिया गया है? बात करेंगे रातों रात, तो ये एक्सेप्शंस वाले हैं, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ये सारे शब्द क्या हैं, एक एक्सेप्शन के रूप में अव्यय भाव में जो है वो प्रयुक्त होते हैं, ये भी जो है आपका अव्यय भाव समास है। एक ही शब्द जो है रिपीटेड टाइम, यानी कि डबल बार रिपीट होता है सेम सेम, तो भी यहाँ पे जो है वो अव्यय भाव समास हो जाता है, यानी कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है या फिर कोई उपसर्ग होता है वहाँ पे जो है वो अव्यय भाव समास हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य को हमको चुनना है यहाँ पे। स्नेहा ने गीत की दो चार लड़ियाँ गाई, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, मुझे बड़ी भूख लगी है, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। देखिए यहाँ पे पूछा है शुद्ध वाक्य की, तो देख लेते हैं इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे जो है ए में दिया है स्नेहा ने गीत की दो चार लड़ियाँ गाई, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत दिया गया है। बात करेंगे परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, ये भी गलत दिया गया है। मुझे बड़ी भूख लगी है, ये भी गलत दिया है। लेकिन यहाँ पे पूछा है शुद्ध वाक्य की, तो शुद्ध वाक्य में हम आपको बता दें कि डी जो विकल्प है ये जो है वो सही दिया गया है, केरल जो है वो अहिंदी भाषी प्रांत है। दो चार हम लड़िया नहीं गाते हैं, तो लड़िया यहाँ पे गलत है। ठीक है, पंक्तियाँ हम कह सकते हैं। ठीक, गीत की उन्होंने दो चार पंक्तियाँ गाई। परीक्षा की प्रणाली नहीं बदलनी हमको, पद्धति बदलनी होती है। मुझे बड़ी भूख नहीं लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी भूख नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, केरल जो है वो हिंदी भाषी प्रांत है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे पूछता, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द जो है वो समान होता है? छप्पे, कुंडलिया, इंद्रवज्रा या फिर उपजाति। बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा जो है वो पहला और अंतिम शब्द समान होगा, कौन सा ऐसा छंद है? तो कुंडलियाँ ही ऐसा एक छंद है जो कि विषम मात्रिक छंद होता है, जहाँ पे जो है दोहा और रोला की अगर हम बात करें तो इन छंदों को मिलाने से यह छंद बनता है, और इसमें जो है वो छः चरण होते हैं टोटल, और इस छंद में जो वो प्रथम दो पंक्तियाँ दोहा की होती है और अंतिम चार पंक्तियाँ जो है वो रोला की होती हैं। दोहे के अंतिम चरण का अर्थात यानी कि चौथा चरण जो है वो रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, और दोहे के प्रारंभ का जो शब्द होता है रोले के अंत में जो है वो आता है, और प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएँ होती हैं, 24 मात्राएँ होती हैं। तो कुंडलिया ही ऐसा एक छंद है जिसमें प्रथम व अंतिम शब्द जो है वो समान होता है। बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, मतवाला पत्रिका के स्थाई संदम्भ चाबुक में निराला जी अपनी
रचना किस नाम से लिखते थे? गर्गज सिंह वर्मा, सूर्यकांत, या फिर निराला, या फिर रमता जोशी। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ अगर चाबुक की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है वो निराला जी अपनी रचना जो है वो गर्गज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे, यानी कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं मतवाला में मतवाला की बहक, चलती चक्की, मतवाला का चाबुक, ये पत्र के स्थायी स्तंभ जो थे वो थे। और हिंदी में उच्च कोटि के व्यंग विनोद के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति को प्रदीप्त करने वाला मतवाला जो है वो कलकत्ता में निकला था। मतवाला निकला था, डजन मीन कि कोई इंसान है उसको हम कह रहे हैं कि मतवाला निकला था, ये एक टाइप की जो है वो पत्रिका का नाम है। और ये जब निकली थी तो फिर ये 1923 में निकली थी, और जिसके संस्थापक श्री महादेव प्रसाद सेठ जी थे, और आचार्य शिव पूजन सहाय भी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, पांडे अभिचंद शर्मा यानी कि उग्र के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, मुंशी जी नवजादिक लाल और ईश्वरी प्रसाद शर्मा, यानी कि इतने लोगों ने मिल के जो ये इस पत्रिका में कार्य किया था। तो यहाँ पे पूछा था सिर्फ हमें कि चाबुक में जो है वो निराला जी अपनी रचना वो किस नाम से लिखते थे, तो ये है वो आपके गर्गज सिंह वर्मा के नाम से वो लिखते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? दोहा चौपाई की शैली है, बरवे शैली है, मसनबी शैली है, या फिर उपयुक्त सभी है? देखिए रामचरितमानस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये एक महाकाव्य है और इसकी रचना जो है वो दोहा चौपाई शैली में की गई है। दोहा जो है वो आपका अर्धमात्रिक छंद हो जाता है, जिसके दोहा के छंद में अगर विषम चरणों में अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो 13-13 मात्रा है, और सम चरणों में बात करें तो 11-11 मात्राएं आ जाती हैं। वहीं अगर हम चौपाई की बात कर लेते हैं तो चौपाई में जो ये भी आपका जो है वो सममात्रिक छंद है, दोहा आपका अर्ध सममात्रिक था और चौपाई जो है वो आपका सममात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में बात करें तो 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे पूछा है कि रामचरितमानस के महाकाव्य की रचना शैली क्या है, तो ये है आपकी दोहा चौपाई शैली, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुष्टुप है ये क्या है? क्या ये एक छंद है, क्या ये अलंकार है, एक रस, या फिर एक गुण? देखिए ऐसे ही आपको कोई भी ऐसे ही एक वर्ड उठा के दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये क्या है, क्या ये छंद है, रस है, अलंकार है, या फिर गुण है, ये क्या है एग्जैक्टली? अनुष्टुप की अगर हम बात करें तो ये एक टाइप का आपका छंद है, और जिस छंद में पंचम अक्षर प्रत्येक चरण में लघु हो परंतु सप्तम अक्षर जो है वो केवल दूसरे और चौथे चरण में लघु हो, तो आपका जो छठा अक्षर है वो प्रत्येक चरण में गुरु होता है और उसे ही हम पद्य कहते हैं, और इसी पद्य को पद्य के श्लोक या फिर अनुष्टुप भी कहते हैं। ये अनुष्टुप अगर आपको ये मीनिंग अगर नहीं समझ में आ रहा कि अनुष्टुप जो है वो क्या है, तो ये इसी को हम जो वो श्लोक भी कहते हैं। अब इसे समझने में क्लियर होगा, कहीं कहीं पे लिखा रहता है श्लोक, कहीं पे श्लोक की बजाय ये लिख देगा आपको अनुष्टुप, तो दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है, और ये क्या है आपका एक टाइप का छंद है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरसी छंद में होता है क्या? तो देखिए सरसी छंद की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसमें जो है वो कितनी मात्राएं होती हैं? 27 मात्राएं, 16-11 पर्यति अंत में लघु गुरु, या फिर 28 मात्राएं, 16-12 पर्यति अंत में लघु गुरु, या फिर 28 मात्राएं, 16-12 पर्यति अंत में लघु गुरु लघु, या फिर आपकी 27 मात्राएं, 16-11 पर्यति अंत में गुरु लघु। बात करेंगे यहाँ पे सरसी छंद के प्रत्येक चरण में जो है वो 27 मात्राएं होती है, तो यहाँ पे 27 वाली तो आपकी दो ऑप्शन आ गए, यानी कि 28 वाली तो आपके हट गए दो ऑप्शन, बचता है 50% चांस कि ये दोनों में से आपका कौन सा है। तो प्रत्येक चरण में इसके 16-11 पर यति होती है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है 16-11 पर यति, यहाँ पे भी 16-11 पर यति, यानी कि बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब ये लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये लघु गुरु होता है या फिर गुरु लघु होता है। देखिए छंद के अंत में अगर हम बात करें तो ये हो जाता है आपका गुरु लघु, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, गुरु लघु होता है, लघु गुरु नहीं होता है, यानी कि 27 मात्राएं 16-11 पर यति और अंत में हो जाता है आपका गुरु लघु, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट है। और यहाँ पे पहली 16 मात्राओं में जो है वो लय होती है चौपाई की तरह, और शेष की 11 मात्राओं में जो होती है वो लय होती है दूसरे चरण के जो होती है दोहे की तरह।
अगला क्वेश्चन हमारा है, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे पूछा है क्या होता है। नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगना। देखिए बात करेंगे यहाँ पे घड़ो पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है आपका लज्जित होना, या फिर कह सकते हैं बहुत शर्मिंदा हो जाना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उद्योग का संधि होगा क्या। उद्धन योग, उद्धन योग, उधधन योग, उतह धन योग, अयोग। बात करेंगे व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है व्यंजन संधि की, यानी कि क च ट त प, यानी इसके बाद किसी भी वर्ग का जो तृतीय या फिर चतुर्वर्ण आए जैसे कि यर लव, या फिर स्वर आए जैसे कि क च ट त प, इसके स्थान पर अपने ही वर्ग का कोई भी तीसरा वर्ण हो जाता है। तो फिर यहाँ पे उद्योग दिया है, तो उद्योग का जो अगर सही संधि विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा आपका उद्धरण योग। यहाँ पे हम बात करते हैं व्यंजन संधि की, और इसके अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो दिग्गज, दिक्धन गज, अजनत, अच धन अंत, जगदीश, जगत धन ईश, तद्रूप, तत्धन रूप, उद्योग, उत्धन योग हमने देख ही लिया, ऋग्वेद, ऋक धन वेद, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है, नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतान के भेद को जाने। भाषा प्रवीण सुक्षंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्त बखाने। कवि जो है वो प्रशिष्टि में लिखा गया उक्त सवैया जो है वो किसका है। बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस की, तो ये क्या ये ब्रजनाथ का है, घनानंद का है, या ठाकुर का है, या फिर बोधा का है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे जो सवैया है ये किसका है, इसे बताने से पहले हम आपको बता देंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री में है, और यहाँ पे सुपर एडी की तैयारियाँ जो है वो जोर शोर में चल रही हैं। और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को जिसे इसे काम आ सके, उसके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो यहाँ पे हम आंसर की बात करेंगे, तो ये जो पंक्ति है वो है, ये सवैया जो है वो है आपका घनानंद जी का, और उनकी रचना की प्रशिष्टि जो है वो ब्रजनाथ ने बखान करते हुए जो वो किया है। तो आज की वीडियो में तो गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।